जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल क्यूकर स्टडी में आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी तो दोस्तों जो आज का हमारा यह सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे तो हम चलते हैं अपने सेशन की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर ए या आपका ऑप्शन नंबर बी या आपका ऑप्शन नंबर सी या डी तो दोस्तों देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल था दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्नानागार था ठीक है महत्वपूर्ण है दोस्तों और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस किसने की आपका ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त ने या आपका ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त ने या आपका ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल ने या आपका ऑप्शन नंबर डी कुमार ने यहां पर एक ही ऑप्शन दो बार रिपीट हो गए दोस्तों कोई बात नहीं आप इन तीनों में से एक आंसर दीजिए तो देखिए दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना आपका कुमार गुप्ता ने की थी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा ठीक है तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है यहाँ पर संस्कृति नहीं होगा यहाँ पर इतिहास होगा दोस्तों भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए राजपूत ऑप्शन नंबर बी गुप्तकाल ऑप्शन नंबर सी काल या आपका ऑप्शन नंबर डी काल ये तो सभी को मालूम होगा दोस्तों जो भारतीय इतिहास है इसका जो युग है वो गुप्तकाल को कहते हैं ठीक है आप साथ साथ नोट करते रहिएगा और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खत किस भाषा का शब्द है ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली या आपका ऑप्शन नंबर बी अरबी या आपका ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी या आपका ऑप्शन नंबर डी फारसी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका आता भी है ये एग्जाम में कि खत किस भाषा का शब्द है पुर्तगाली अरबी या अंग्रेजी या आपका फारसी तो दोस्तों देखिए जो खत है वो खत आपका अरबी भाषा से लिया गया है ठीक है तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर आपका ऑप्शन नंबर सी अटलांटिक महासागर या आपका अंध महासागर इम्पोर्टेंट है दोस्तों अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता कि विश्व का प्रथम सबसे बड़ा महासागर पूछता तो सभी का आंसर राइट होता आपका प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा अब यहाँ पे पूछा आपका तीसरा कौन सा है तो दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूँ कि जो विश्व का प्रथम सबसे बड़ा महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर है ठीक है और अगर दूसरे की बात करता है तो दूसरा है आपका अटलांटिक महासागर क्या है अटलांटिक महासागर और यहां पे क्वेश्चन ने पूछा है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर तो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर ठीक है तो जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है वो आपका हिंद महासागर है ठीक है दोस्तों तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ने देखिए दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोधी ऑप्शन नंबर बी हुमायूं या आपका ऑप्शन नंबर सी अकबर या आपका ऑप्शन नंबर डी शाहजहां बताइए दोस्तों इसका आंसर और साथ ही साथ दोस्तों देखिए जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आप फाइनली जब हमारे क्वेश्चन समाप्त होंगे तो कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि किसके कितने सही हो रखें करके ठीक है आप नंबरिंग भी करते रहिए कि हमारे कितने सही हो रहे हैं भी में से तो देखिए दोस्तों जो दिल्ली का जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है उसका निर्माण ने किया था किसने किया था ने और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया आपका ऑप्शन नंबर ए पंद्रह चौसठ ऑप्शन नंबर बी पंद्रह छप्पन आपका ऑप्शन नंबर सी पंद्रह सौ या आपका ऑप्शन नंबर डी पंद्रह बताइए दोस्तों इसका आंसर कि अकबर ने कर किस वर्ष समाप्त किया तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर सबसे पहले शुरू किसने किया था ठीक है किसने किया था मोहम्मद बिन किसने किया था मोहम्मद बिन ने ठीक है दोस्तों सॉरी मोहम्मद बिन कासिम ने जो जजिया कर है दोस्तों सबसे पहले किसने शुरू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया था दोस्तों सात सौ बारह ईस्वी में यानी कि जब सात सौ बारह ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था तो उसके बाद ही मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लेना प्रारंभ कर दिया था फिर वो चलते रहा चलते रहा उसके बाद जब आपका अकबर का शासनकाल आता है तो अकबर उसको समाप्त करता है अपने शासनकाल में ठीक है और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अकबर है अकबर ने जजियाकर को पंद्रह सौ में समाप्त किया था ठीक है और साथ ही यहाँ दोस्तों देखिए अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर ने पंद्रह सौ बासठ में दास प्रथा का अंत किया था ठीक है किसका अंत किया था दास प्रथा का अंत किया था और साथ ही साथ अगर हम पंद्रह सौ तिरसठ तिरसठ में आते हैं तो अकबर ने आपका तीर्थ यात्रा का जो तीर्थ यात्रा मैसूर करता वो भी आपका पंद्रह सौ में इसका समापन किया था और पंद्रह सौ में आपका अकबर ने कर को समाप्त कर दिया था ठीक है और अगर हम फिर आगे चलते हैं तो अकबर ने सती प्रथा का भी अंत किया था अपने शासनकाल में हालांकि बाद में फिर उसको इसका पूर्ण रूप से अंत किसी और ने किया था तो लेकिन अपने शासनकाल में अकबर ने पंद्रह में कब किया था पंद्रह सौ पैंसठ में सती प्रथा का भी इसने अंत किया था और पंद्रह सौ में अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया था ये भी आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों ठीक है और आगे चलते हैं तो पंद्रह सौ छिहत्तर में सॉरी पंद्रह सौ बयासी में आपका दीन इलाही धर्म की इसने शुरुआत कर दी थी ठीक है अकबर काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक है अगर आपको वक्त मिले तो दोस्तों ज़रूर पढ़िएगा ठीक है तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में शीर्ष स्थान पर है यह काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों और आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में शीर्ष स्थान पर है ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना ऑप्शन नंबर बी दिल्ली या आपको ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश या आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश तो दोस्तों देखिए जो खुले में सोच मुक्त गांव की जो प्रथम यानी कि शीर्ष स्थान पर है वो आपका ऑप्शन नंबर है यानी कि तेलंगाना है ठीक है याद रखिएगा इसको और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखिए वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है सभी को मालूम है दोस्तों परमवीर चक्र होता है वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैकबेथ नाटक के लेखक कौन है ऑप्शन नंबर ए टॉल्सराय यहाँ पर टॉल्सराय होगा ऑप्शन नंबर बी सेक्सपियर आपका ऑप्शन नंबर सी कैमिंग या आपका इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों देखिए जो मैकबेथ नाटक है जो उसके लेखक है दोस्तों सेक्सपियर हैं ठीक है कौन है शेक्सपियर ठीक है याद रखिएगा इसको और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है दोस्तों और काफी सरल भी है शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है दो घंटे होती है या आपका एक घंटे या आपका आधा घंटा या छह घंटे तो दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं कि जो लोकसभा में जो शून्यकाल की अवधि होती है वो आपका एक घंटे होती है ठीक है कितने की होती है एक घंटे की होती है केवल शून्यकाल की के अवधि और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखिए और काफी इंपॉर्टेंट है इसको तो आप थ्रिस्टा लगा लीजिए काफी बार पूछा भी गया है और संभावना बनती है इसकी कि पूछे जाने की तो मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष से किस संविधान संशोधन के तहत की और साथ ही दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा कि कब की मैं आपको बताऊंगा कि किस संविधान संशोधन के तहत की थी और आप बताएंगे मुझे कि कब की थी यानी कि वो संविधान संशोधन कब हुआ था ठीक है इसका ऑप्शन नंबर ए तिरहत्तरवें संविधान संशोधन के तहत या आपका ऑप्शन नंबर बी संविधान संशोधन के तहत या आपका ऑप्शन नंबर डी चौहत्तरवे मतदान की आयु है वो इक्कीस वर्ष से घटाकर अठारह वर्ष इकसठवे संविधान संशोधन के तहत की गई थी ठीक है कब की गई थी इकसठवें संविधान संशोधन के तहत ठीक है और आप इसका बताइएगा कि कब की गई थी यानी कि इकसठवा संविधान संशोधन कब हुआ था और हम चलते हैं नेक्स्ट और हमारा नेक्स्ट है दल बदल कानून कब का हटा यानी कि दोस्तों देखिए दल बदल मतलब है कि जैसे कि मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ मैं अगर बाई चांस केस जीतता हूँ सॉरी चुनाव जीतता हूँ उसके बाद मैं अपनी पार्टी चेंज कर देता था ये कानून अब हट चुका है तो कब हटा है दो, दोस्तों बताइएगा आप जो दल बदल कानून है कब का हटा ऑप्शन नंबर ए 1985 ऑप्शन नंबर बी 1989 एटी आपका ऑप्शन नंबर सी 1990 नाइनटीन आपका ऑप्शन नंबर डी 1987 देखिए दोस्तों जो दल बदल है ये आपका हटा था 1985 में कब हटा था 1985 में ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और कभी कभी में आपका पूछता है कि दल बदल जो कानून है कब हटा तो ठीक है 1985 में किस संविधान संशोधन के तहत हटा समझ रहे हो अगर एग्जामिनर पूछता है कि दल बदल कानून किस संविधान संशोधन के तहत हटा तो आपका आंसर होगा दोस्तों कब हटा था इक्यावनवे संविधान संशोधन के तहत ठीक है इक्यावनवे संविधान संशोधन के तहत तहत 1985 में हटा था ठीक है दोस्तों याद रखिएगा इसको इंपॉर्टेंट है और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखिए और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले पाकिस्तान शब्द कब आया देखिए दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि पहले भारत और तो पाकिस्तान एक था उसके बाद जब विभाजन हो गया तो पाकिस्तान एक अलग कंट्री है और इंडिया अलग कंट्री है ठीक है लेकिन जो पाकिस्तान शब्द है वो कब आया था आपका ऑप्शन नंबर ए नाइनटीन ऑप्शन नंबर बी नाइनटीन या आपका ऑप्शन नंबर सी नाइनटीन थर्टी सिक्स कीजिए इसको और आपका ऑप्शन नंबर डी नाइनटीन थर्टी सेवन ठीक है दोस्तों तो दोस्तों देखिए जो पाकिस्तान शब्द है सबसे पहले नाइनटीन थर्टी सिक्स में आया था कब आया था नाइनटीन थर्टी सिक्स में ठीक है दोस्तों कब आया था नाइनटीन थर्टी सिक्स में तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ने देखिए दोस्तों पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया यानी कि यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलो तो हम चलो देखिए दोस्तों पानीपत का जो पानीपत के युद्ध हैं आप सभी को मालूम है तीन युद्ध हो रखे थे ठीक है आपका पंद्रह सौ छब्बीस में पहला हो गया और आपका तीसरा हो गया आपका सत्रह सौ इकसठ में ठीक है और दूसरा आपका पंद्रह सौ छप्पन में और आप सभी को मालूम होगा दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो किस किस के बीच लड़ा गया था ठीक है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच और पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था और पानीपत का तीसरा युद्ध आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था ठीक है ये भी आपको मालूम होना चाहिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम की तुलना में काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए असम या आपका ऑप्शन नंबर बी हरियाणा या आपका ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश या आपका ऑप्शन नंबर डी पंजाब तो देखिए दोस्तों जो भारत में जो पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र है इसका उद्घाटन आपका असम में किया गया था यानी कि किया गया है सॉरी किया गया था, था नहीं है क्योंकि ये हाल ही का क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट है बन सकता है एग्जाम में ठीक है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा ध्यान रखिएगा और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति रुपया बांदा का निधन हो गया यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों क्या पता पूछ दे ऑप्शन नंबर ए जाम्बिया, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान या आपका ऑप्शन नंबर सी अमेरिका या आपका कोई नहीं बताइए दोस्तों इसका आंसर तो जो हमारे रुपया बांदा जी हैं ये आपके जाम्बिया के राष्ट्रपति थे ठीक है ऑप्शन नंबर ए ए इसका राइट हो जाएगा ये भी आप ध्यान रखिएगा और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त किया मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ठीक है हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त किया ऑप्शन नंबर ए राजस्थान ऑप्शन नंबर बी दिल्ली या आपका ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा या आपका ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद तो देखिए दोस्तों जो मिशन इंद्रधनुष है इसमें जो तो पहला स्थान प्राप्त किया है किसने किया है आपका उड़ीसा ने किसने किया है दोस्तों उड़ीसा ने ठीक है और आज का लास्ट आखिरी क्वेश्चन है हेरत महोत्सव कहां मनाया जाता है जम्मू कश्मीर बिहार नागालैंड या इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों देखिए जो हेरथ महोत्सव है दोस्तों कहाँ मनाया जाता है आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है कहाँ मनाया जाता है दोस्तों जम्मू कश्मीर में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा ठीक है तो यहीं पर आपके क्वेश्चन उन्नीसवी क्वेश्चन आज कोई बात नहीं आज आप, आपको मैं बीसवा क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ और क्वेश्चन है दोस्तों देखिए क्वेश्चन है आपका हाँ राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है ठीक है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों ठीक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है पूछा भी गया है आपके एग्जाम में तो दोस्तों देखिए आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता हुआ उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय जै भारत